यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र दीन आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को कुचले हुए सांप सा। भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है यह, जैसा है मेरा मन किसके बल पर लूंगा अब मैं प्रतिशोध। पिता की निर्मम हत्या का वन में भयानक, इस वन में भी भूल नहीं पाता हूँ मैं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में। उनकी थी अटिल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में, पाकर निहत्था उन्हें पापी दृष्ट द्रोण ने। अस्त्रों से खंड खंड कर डाला, भूल नहीं पाता हूँ मेरे पिता थे अपराजय। अर्धशस्त्र से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्धशस्त्र ने कर दी थी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर मानव को पशु, नरिया कुंजर मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध बरबर पशु सा, किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूँ भटक गया। गुफा यह पराजय की, दुर्योधन सुनो सुनो, द्रोण सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा कैसे लूंगा उन पापियों से। सुनो द्रोण सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा कायर अश्वत्थामा, शेष हूँ अभी तक जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है कंदा गफा बासी थूक, शेष हूँ अभी तक मैं वच पीटता है आत्मघात कर लूं। इस नापुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्म राज की, मेरी इस पसली के नीचे दो पंजे उगाए, मेरे ये पुतलियां बिन दांतों के चोथ खाए, पाए जिसे वध केवल वध केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। आता है कोई शायद पांडव योद्धा है, आहा अकेला निहत्था है, पीछे से छिपकर इस पर करूंगा वार, इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है गर्दन मरोड़ूंगा, छिप जाऊं इस झाड़ी के पीछे, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं केवल सत्य केवल सत्य केवल सत्य। हे अंतिम अर्थ मेरे आह, इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दपोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा हतो हताहा।